नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी कला और संस्कृति के अध्ययन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज आप अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करते हुए बाकी के शास्त्रीय नृत्यों के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जिसमें हम मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कथक, सत्रीय नृत्य को देखेंगे और साथ ही अलग अलग स्थानों के लोक नृत्यों को भी देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मोहिनीअट्टम को देख लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, मोहिनी यानी सुंदर स्त्री और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। अतः मूल रूप से ये नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। वैसे तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है और इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। त्रावणकोर राज्य के महाराजा थिरुनल के शासनकाल के दौरान मोहिनीअट्टम को बढ़ावा दिया गया। अन्य नृत्यों के समान ही ये नृत्य भी अप्रचलित हो गया था, जिसके बाद इसको प्रसिद्ध मलयाली कवि वी एन मेनन ने कल्याणी अम्मा के साथ इसको पुनर्जीवित किया। आइए जरा समझते हैं इसकी विशेषताओं को। इस नृत्य में कथकली के उत्साह के साथ साथ भरतनाट्यम का लालित्य और कोमलता दोनों देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि इस नृत्य के दौरान इसमें पैरों की थाप नहीं होती है, बल्कि कदमों की गतिविधियां मंद होती है। मोहिनीअट्टम में सामान्यतः विष्णु के स्त्री नृत्य की कहानी का प्रदर्शन किया जाता है। मोहिनीअट्टम के गायन में लास्य पहलू प्रमुख होता है, जिसके कारण इसको मुख्य रूप से नृत्यांगनाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में वेशभूषा का विशेष महत्व होता है। इसमें नृत्यांगनाएं सुनहरे रंग की जरी के साथ धूमिल सफेद साड़ी पहनती हैं। अन्य नृत्य के समान इसमें चेहरे पर अत्यधिक श्रृंगार नहीं होता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं सुनंदा नायर, कला मंडलम छेमवती, माधुरी अम्मा और जया प्रभा मेनन। चलिए अब इस यात्रा के दूसरे शास्त्रीय नृत्य यानी मणिपुरी को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मणिपुरी नृत्य के नाम से ही उजागर हो रहा है कि ये नृत्य भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य का नृत्य है और कहा जाता है कि ये वहाँ की घाटियों में शिव और पार्वती का दिव्य नृत्य है। आधुनिक समय में 18वीं सदी में मणिपुर के राजा भागचंद्र ने मणिपुर नृत्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। आइए इसकी विशेषताओं पर नजर डालते हैं। इस नृत्य में कामुकता पर नहीं बल्कि भक्ति पर बल दिया जाता है। इस नृत्य में चेहरा पतले घूंघट से ढका होता है और अभिव्यक्ति का महत्व कम होता है। मुख्यतः इसमें हाथ के हाव भाव और पैर की कोमल गति महत्वपूर्ण होती है। आमतौर पर महिलाओं द्वारा अनोखी लंबी स्कर्ट पहनकर इसका प्रदर्शन किया जाता है। तो क्या आपको पता है कि मणिपुरी नृत्य में एक महत्वपूर्ण मुद्रा होती है, वो है नगबंद मुद्रा, जिसमें शरीर आठ के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। वहीं रासलीला कृष्ण की प्रेम की कहानी मणिपुरी नृत्य गायन का विषय रहता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं झावेरी बहनें जैसे नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। गुरु विपिन सिंह एंड माधवी देवी हैं। आइए अब उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि की रासलीला से उत्पन्न होने वाले कथक नृत्य को समझ लेते हैं। कथक का नाम कथिका से लिया गया है, जो भाव भंगिमाओं और संगीत के साथ महाकाव्यों से ली गई कविताओं की प्रस्तुति किया करते थे। इतिहास के पन्नों में जब हम जाएंगे तब देखेंगे कि कथक नृत्य मुगल काल में कामुक शैली के नृत्य के रूप में रूपांतरित होकर दरबारी नृत्य बन गया और इस नृत्य पर फारसी वेशभूषा का भी प्रभाव पड़ा। इस नृत्य शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया और कथक की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि अलग अलग घरानों का इसमें विकास हुआ है, क्योंकि ये हिंदुस्तानी शैली पर आधारित है, जैसे लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रायगढ़ घराना और बनारस घराना। कथक प्रस्तुत करने के लिए कुछ घटक भी होते हैं, जैसे आनंद, जिसके माध्यम से नर्तक मंच पर प्रवेश करता है, ठाट, जिसमें हल्की लेकिन अलग अलग प्रकार की हरकतें होती हैं, तोड़ और टुकड़ा, तीव्र लय के छोटे छोटे भाग होते हैं, वही जुगलबंदी, जिसमें नर्तक और वादक के बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेल होता है, तक 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 तक
वहीं पड़ंत, तराना, थिल्लन इत्यादि भी इसके कुछ घटक हैं। इसके प्रमुख प्रतिपादक हैं विरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी इत्यादि। आइए आज के अंतिम शास्त्रीय नृत्य की ओर बढ़ते हुए सत्रीय नृत्य को समझ लेते हैं। शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में असम में इसकी शुरुआत हुई। इस नृत्य कला का नाम सत्र वैष्णव मठों से प्राप्त किया गया है, जहां मुख्य रूप से इसका अभ्यास किया जाता था। बात करें उसके उल्लेख की तो ऋषि भरत मुनि के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। ये नृत्य पूरी तरह से भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। इसकी विशेषताओं की यदि बात की जाए तो इसमें पुरुष मुख्यतः धोती और पगड़ी पहनते हैं, वहीं महिलाएं पैट सिल्क में बने पारंपरिक असमिया आभूषण धुरी और चादर पहनती हैं, और सामान्य तौर पर कमर का कपड़ा पुरुष और महिला दोनों द्वारा पहना जाता है। तो चलिए अब अपनी यात्रा को अंतिम पड़ाव की ओर लेकर चलते हैं और कुछ लोक नृत्यों की झांकी को भी देख लेते हैं। सबसे पहले छऊ नृत्य को देखते हैं। इसकी उत्पत्ति छाया से हुई है, यानी परछाई। ये नृत्य मुख्यतः पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रचलित है। ये एक प्रकार का मखौटा नृत्य है, जिसमें पौराणिक कहानियों को बताने के लिए जोरदार लड़ाकू गतिविधियां की जाती हैं। उदाहरण के लिए सर्प नृत्य और मयूर नृत्य। आइए रेगिस्तान की ओर बढ़ते हैं और आज के दूसरे लोक नृत्य कालवेलिया को समझते हैं, जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। और ये कालवेलिया समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें वेशभूषा और नृत्य गति नागों के समान होती है और इस नृत्य का वीर लोकप्रिय वाद्य यंत्र होता है। वहीं गरबा नृत्य गुजरात में नवरात्र में किया जाने वाला नृत्य है, और तरंग मेल नृत्य गोवा में दशहरा और होली के दौरान इंद्रधनुष जैसी वेशभूषा के साथ प्रदर्शन किया जाता है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो दादर नृत्य लखनऊ के दरबारियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। चलिए अब बिहार की ओर बढ़ते हैं और विरहा नृत्य को समझते हैं। इसमें उन महिलाओं की व्यथा का वर्णन होता है जिनके साथी घर से दूर होते हैं। यद्यपि ये नृत्य पूरी तरह से पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो कि महिला पात्रों की भूमिका भी निभाते हैं। आइए अब थोड़ा पहाड़ों की तरफ चलते हैं और सबसे पहले थांगदा नृत्य को समझते हैं, जो कि मणिपुर का विशेष मार्शल डांस है। क्योंकि थांग का अर्थ होता है तलवार और ता का अर्थ भाला होता है। तो क्या अब आप जम्मू कश्मीर चलना चाहेंगे? तो चलिए जान लेते हैं अब हम डमहल नृत्य को, जो कि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। इसमें रंग बिरंगे परिधानों में वट्टल जनजाति द्वारा पुरुषों के लिए एक लंबी शंकुआकार टोपी के साथ प्रदर्शन किया जाता है। और इस प्रकार से विविधताओं वाले हमारे देश में कई लोक नृत्य किए जाते हैं। तो चलिए अब आप बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है। आइए अब पिछले वर्षों के कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य से रविंद्रनाथ टैगोर अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने दक्ष नर्तकों को शिक्षकों के रूप में शांति निकेतन में नियुक्त किया? कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि मणिपुरी। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध सत्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न आपका यूपीएससी 2014 में पूछा गया था। सत्रीय नृत्य संगीत, नृत्य और नाटक का संयोजन है। ये असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी परंपरा है। ये तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्तिपूर्ण गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक दो और तीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी सत्रीय नृत्य संगीत, नृत्य और नाटक का संयोजन है और ये असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी परंपरा है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य और नाटक में त्रिभंग नामक एक मुद्रा प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों की प्रिय मुद्रा रही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इस मुद्रा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये प्रश्न यूपीएससी 2013 में पूछा गया था। आइए ऑप्शंस देखते हैं। एक पैर मुड़ा होता है और शरीर कमर और गर्दन पर थोड़ा लेकिन विपरीत दिशा में वक्रित होता है।
चेहरे की भाव भंगिमाएं, हस्त मुद्राओं और साज सज्जा को विशिष्ट महाकाव्य या ऐतिहासिक चरित्रों के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए संयोजित किया जाता है। शरीर संचालन, मुख और हाथों का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्त करने या कहानी कहने के लिए किया जाता है। वहीं प्रेम या आसक्ति की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए मंद स्मित, किंचित वक्रित कमर और निश्चित हस्त मुद्राओं के प्रयोग पर बल दिया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। शुक्रवार को जल्द मिलेंगे सुबह 7 बजे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।